अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हजरा व्लॉग्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ समोसे की रेसिपी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मैदा, 2 हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अभी हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन। इस तरह से हाथ से क्रश करते हुए इसमें डाल लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं यहाँ पे गुनगुना पानी से इसका एक सख्त डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए आपको डो बनाना है। आपको एकदम सॉफ्ट डो नहीं बनाना है गाइस। अगर आप सॉफ्ट डो बनाएंगे तो उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे सख्त डो बनाना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डो को बना लिया है। इस तरह से आपको सख्त डो बनाना है। अभी हम इसे हाफ आवर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक आटा सेट नहीं हो जाता हम यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई रख दिया और मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। चलिए गाइस ये गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से भूनेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए पोटैटोस। इस तरह से तोड़ते हुए आपको इसमें डालना है। आपको टोटल स्मैश नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू को उबले हुए डाल रही हूँ। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक। और इन सारी चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप चाहे तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ है। और इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे।
तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए गाइस, अभी ये बनकर तैयार है। तो गाइस यहाँ पे हाफ एन आवर हो चुका है, चलिए इसे फिर से अच्छे से मल लेते हैं। तो अभी हम इसकी पूरियां बना लेते हैं। तो इस तरह से हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसे अच्छे से बेलेंगे। आपको ज़्यादा मोटा और पतला भी नहीं रखना है गैस। देखिए इस तरह से आपको बेल लेना है। यहाँ पे बीच से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी ये वाले हिस्से को मैंने निकाल लिया है और किनारों पे इस तरह से पानी की मदद से आपको अच्छे से लगाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो अभी ये वाले परत से आपको दूसरे वाले परत को मिलाना है इस तरह से। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, कोन टाइप का एक शेप मिल चुका है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे स्टफिंग। इस तरह से इस साइड पे हमें थोड़ा सा पानी को लगाते हुए इसे इस तरह से चिपका लेना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से चिपका लिया है, ये बनकर तैयार है। चलिए बाकी को भी हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे समोसों को तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लो फ्लेम पे तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अभी हम इसमें एक एक करके समोसों को डालेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है और इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं गाइस, अभी हम इसे दूसरे साइड पे भी अच्छे से पका लेंगे। और आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है, चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे समोसे बनकर तैयार हैं। आप इसे हरी चटनी या मीठी चटनी से भी खा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यह रेसिपी आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।